आज 8 मार्च है, यानी ख्वातीन का आलमी दिन, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबात का इनेकाद किया गया है और इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी रैलियां और मार्चेस निकाले जा रहे हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। मार्च के शुरका से जानने की कोशिश करते हैं कि वो आज क्यों मार्च कर रहे हैं। जी, अगर आप यही बात कोई 5-6 साल पहले ले जाएं, औरत मार्च किसी ने सोचा भी नहीं था कि अच्छा ये एक बिग इनफ कॉज है जिसके लिए लोग सड़कों पे निकलें। मतलब हमारी सोसाइटी को इतनी ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है कि इसके लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। तो सही है, जो लोग अभी भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, टाइम बाई टाइम लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ एन इफेक्टिव थिंग टू कम ऑन रोड एंड शो द स्ट्रेंथ। आपको याद होगा नूर मुकदम का केस, मैं आज यहाँ नूर मुकदम के लिए खड़ी हूँ और उसकी तरह हजारों लड़कियों की तरह खड़ी हूँ जो बलोचिस्तान में, जो इंटीरियर सिंध में, जो जिनको उनके हकूक नहीं मिलते। हम औरतों को एक उम्मीद की किरण के तौर पे देखते हैं। हमें लगता है कि औरतों का पॉलिटिकल स्पेसेस को क्लेम करना, उसमें पार्टिसिपेट करना एक उम्मीद की किरण है, और ये उम्मीद हर मुआशरे के लिए है, ये हर मुल्क के लिए है, ये पाकिस्तान की सरहदों से बाहर भी है। इस तरह के इवेंट्स अगर होते हैं, मार्चेस होते हैं, तो लोगों के एक दूसरा तबका भी है माशरे में जो कि एक दबा हुआ नहीं है, मैं उनके राइट्स, उनकी आवाज़ भी आनी चाहिए। आप तशरीफ लाइए, पीसफुली इसको देखिए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, यू विल गेट टू नो कि औरत मार्च कितना ज़रूरी है। जी, जैसा कि आपने ख्वातीन की बातें सुनी, उनका यह कहना है कि वो यहाँ पर सिंफी मसावात के हुसूल के लिए आई हैं, और साथ ही साथ उनका ये मुतालबा भी है कि ख्वातीन पाकिस्तान समेत दुनिया में जहाँ पर भी हों, जहाँ पर भी चलें, वो ख़ुद को महफूज महसूस कर सकें। इस हवाले से मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट urdunews.com।